हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बुलेट एसेंडेड हमारे पास आया हुआ है, जो कि इसका प्रॉब्लम है सिंघम बुश का दोस्तों। और सिंघम बुश ख़राब होने से दोस्तों गाड़ी का जो है बैलेंस बिगड़ जाता है दोस्तों, बैलेंस ख़राब हो जाता है। अब बैलेंस ख़राब होने की वजह से दोस्तों ये एक्सीडेंट का ख़तरा बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों अगर सिंघम बुश आपका गाड़ी में ख़राब हो तो ज़रूर चेंज करवाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं कि सिंघम बुश ख़राब है तो कैसे चेक करें। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, ये टायर को हिलाओगे दोस्तों तो चेन में देखना, ये चेन में पूरा पिले, यानी कि ये इसको हिलाओगे दोस्तों तो इधर उधर हिलेगा। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, गाड़ी जिधर को मोड़ोगे दोस्तों उधर ही ज़्यादा मुड़ जाएगा, गाड़ी का बैलेंस उधर ही चला जाएगा, इसलिए जो है एक्सीडेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मैकेनिक हो तो आपके लिए वीडियो है, अगर आप मैकेनिक नहीं हो तो सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि इसका जो है आप दोस्तों सिंघम बुश चेंज करने वाले हैं, और सिंघम बुश किस तरह चेंज किया जाएगा उसके बारे में फुल जानकारी देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें सिंघम बुश खोलना होगा। अब जो दोस्तों खोलने के लिए इधर से ये वाला नट और ये नट निकालना पड़ेगा, इस वक्त सर का ये नट निकालना पड़ेगा दोस्तों, तो ब्रेक को खोलना पड़ेगा। और उसके बाद ये दोस्त देख सकते हैं, इधर से भी इस वक्त सर का ये नट निकालना पड़ेगा, ऊपर नहीं निकालेंगे दोस्तों इधर से हो जाएगा। उसके बाद ये दोस्तों इधर से ये कैप है दोस्तों, इस तरह इसको निकालोगे तो इसके अंदर ये दोस्तों एक्सेल बोल्ट है, नट है, उसको निकलना पड़ेगा। हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों बिना देर करते हैं वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, और ये दोस्तों फटाफट से इसका सिंघम बुश निकालते हैं और आगे दिखाएँगे दोस्तों किस तरह ख़राब हो चुका है, और फिट करने का भी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हिलाओगे दोस्तों ये बुश जो है हिलेगा, क्योंकि बुश ख़राब हो चुका है। और जो फ्रेंड्स, अगर ये बुश को आप अपने से निकालने की कोशिश करोगे तो निकाल सकते हो, पर अगर फिट करोगे दोस्तों तो अपने से फिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लाइलोन का बुश होता है। इसलिए ये फ्रेंड्स, ये बुश फिट होने में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्या करना चाहिए आपको, लेद में ले जाके ये दोस्तों बुश को लेद से फिट करके लेके आना है। फिर जो है दोस्तों उसके बाद इधर आप गाड़ी में सिंघम को फिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम जो बुश को निकाल के देखते हैं और दिखाते हैं कि बुश किस तरह ख़राब हो चुका है। उसके बाद जो फ्रेंड्स लेद में ले आके और उसका बुश करवा के लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये इस तरह का अब नया ला के दोस्तों लेट में फिट करके लाते हैं, फिर गाड़ी में किस तरह फिट किया जाता है दोस्तों वो भी। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये बुश हमने नया लेद से डलवाए थे दोस्तों हम ये, और ये दोस्तों एक बात बता दो, ये लेद वाला हमको ये बात बोला है दोस्तों, ये वाला बुश जो है ये मेटल बुश है, जो कि ये ईजी तरीके से लग जाता है दोस्तों। इसलिए ये वाला बुश देख सकते हैं, ये वाला बुश लगवाया है, और ये वाला देख सकते हैं प्लास्टिक का बुश है, ये थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, इसलिए ये वाला लगवाया। अब भी चाहे तो इस तरह का लगवा सकते हैं दोस्तों। और ये पैड देख सकते हैं, ये इस तरह का पैड है, ये पैड दोस्तों अगर ख़राब हो जाता है तो ज़रूर आपको चेंज कर लेना चाहिए, इस तरह का पैड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली इसको फिट करेंगे, इसका होल्स में अंदर ग्रीस वगैरह डाल के इस तरह फिट करना है ये इसके अंदर से। ठीक है दोस्तों, इधर से देख सकते हैं चेन से होते हुए वाला होल्स में फिट करना है, देख सकते हैं। तो फाइनली फटाफट से फिट करते हैं, बन रही है वीडियो में।
वो सब फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये टायर को जो हिलाने में चेन जो है दोस्तों बिल्कुल हिल नहीं रहा है, यानी कि इधर उधर बिल्कुल भी सिंगम नहीं हिल रहा है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब जो गाड़ी चलाने में भी मज़ा आएगा, वो बैलेंस तगड़ा हो जाएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको फुल जानकारी पसंद आई है। अगर जानकारी पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, हम देख सकते हैं। अकेले ही शूट करते हैं, अकेले काम करते हैं दोस्तों। अभी आज हेल्पर वगैरह छुट्टी है और दूसरा काम भी हो रहा है दोस्तों, उसमें बिजी है, इसलिए हम खुद को करना पड़ता है सब कुछ। देख सकते हैं कितना मेहनत से कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको फर्ज बनता है कि लाइक जरूर करें वीडियो को, और कोई भी सवाल होता है मन में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर दूंगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहो, खुश रहो। ठीक है फ्रेंड्स।